यस, हम एम्ब्रियोनिक लेयर के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। एम्ब्रियोनिक लेयर्स जो होती है वो एक्टोडर्म में और एंडोडर्म में, और अगर जो मेसोग्लिया थी ये पूरी तरीके से डेवलप हो गई है तो ये एक और लेयर बनाएगी जिसको बोलते हैं मेसोडर्म। क्या बोलते हैं उसको? मेसोडर्म। तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म में एक्टोडर्म भी है, आउटर लेयर भी है, इनर लेयर भी है, और जो बीच वाली लेयर है मेसोडर्म भी है, तो उसको बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या बोलेंगे उसको? ट्रिप्लोब्लास्टिक। वी आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, जो पूरी तरीके से डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सीलोम। सीलोम क्या है? अब हम हमारे पेट में, अगर हम हमारे स्टमक की बात करें, हमारी एब्डोमिनल कैविटी की बात करें, तो उसके अंदर क्या है? बॉडी वॉल है और गट वॉल है। ठीक है, ये तो हमारी पूरी बॉडी की वॉल है, एक तो जो सर्कुलर मोशन में है, और इसके अंदर क्या है? एलिमेंट्री कैनाल है, जो मुंह से स्टार्ट होती हुई ये जा रही है और क्या बना रही है? डाइजेस्टिव सिस्टम बना रही है। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे गट वॉल। क्या बोलेंगे इसको? गट वॉल। तो हमारे पास एक तो बॉडी की वॉल हो गई और एक गट वॉल हो गई। तो ये वाली जो बीच में आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, तो ये वाली तो है, ये जो रेड कलर से ये मैंने ब्लू कलर से बनाई है, ये है गट वॉल, मतलब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट, और ये हमारा है बॉडी वाला पार्ट। इनके बीच का जो स्पेस है, ये वाइट वाला जो पार्ट है, ये क्या है? सीलोम। क्या कहलाती है ये? सीलोम कहलाती है। द बॉडी कैविटी विच इज़ लाइंड बाय द मेसोडर्म। लेकिन ये किससे कवर होती है? मेसोडर्म से कवर होती है। मेसोडर्म आपको बताई थी मैंने, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच का जो स्पेस है वो क्या है? मेसोडर्म। तो अगर हमारी जो बॉडी कैविटी है वो किससे लाइंड अप हो रही है? हमारी मेसोडर्म से हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे सीलोम। क्या बोलेंगे उसको? सीलोम। एनिमल पजेजिंग सीलोम आर कॉल्ड द सीलोमेट, और जिसमें भी सीलोम प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं सीलोमेट्स। क्या बोलते हैं उसको? सीलोमेट्स। ठीक है, अब प्रॉपर अगर मेसोडर्म से जो बॉडी कैविटी है वो किससे कवर हो? सीलोम से कवर हो, तो उसको बोलेंगे सीलोमेट। ठीक है, प्रॉपर सीलोम है तो उसको बोलेंगे सीलोमेट। लेकिन हमें ऐसा लगता है द बॉडी कैविटी इज़ नॉट लाइंड विद मेसोडर्म। बॉडी कैविटी तो है, मतलब कैविटी तो बन रही है बीच में। ठीक है, देखो कैविटी क्या है? वो जगह ही है जिसको सीलोम बोलते हैं। लेकिन अगर वो सीलोम किससे कवर है? मेसोडर्म से, तो उसको हम बोलेंगे ट्रू सीलोम। क्या बोलेंगे उसको? ट्रू सीलोम। लेकिन अगर वो मेसोडर्म से कवर नहीं है, ठीक है, मेसोडर्म से लाइंड अप नहीं है, तो हम उसको बोलेंगे स्यूडो सीलोमेट, झूठी। स्यूडो मतलब क्या होता है? झूठी सीलोम। ठीक है, वो दिखाई दे रही है सीलोम जैसी, लेकिन एक्चुअल में है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो मेसोडर्म से कवर नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे स्यूडो सीलोमेट। द एनिमल्स इन विच बॉडी कैविटी इज एब्सेंट आर कॉल्ड अ सीलोमेट, और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके अंदर बॉडी कैविटी होती ही नहीं है। ठीक है, प्रॉपर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट नहीं होता है तो बॉडी कैविटी भी नहीं होगी, तो उसको हम बोलेंगे अ सीलोमेट, जिसमें कि सीलोम होती ही नहीं है। क्लियर है? तो हमारे पास तीन तरीके की चीज़ें हो गई, एक तो सीलोमेट हो गया, एक स्यूडो सीलोमेट हो गया, और एक क्या हो गया? असीलोमेट। देखो यहाँ पर कोई जगह नहीं है, इस वाले डायग्राम में कोई भी एक भी जगह नहीं है, ये वाला इस रेड कलर और इस ब्लू कलर के बीच में कोई भी स्पेस नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे असीलोमेट। अब हम बात करते हैं सेगमेंटेशन। सेगमेंट का मतलब क्या होता है? सेगमेंट का मतलब होता है टुकड़े। ठीक है, तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड होती है। कॉकरोच को आपने देखा होगा, उसका जो सिर होता है ना वो पूरी तरीके से अलग, आप उसको हल्का सा ऐसे ऐसे करोगे ना तो वो हिलेगा ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे हमारी गर्दन है, अलग से पार्ट है। ठीक है, ये लेकिन इससे ये हमारी बॉडी ऐसे थी ऐसे। ठीक है, उसको ऐसे हल्का सा क्या कर दिया? ऐसे। अगर ये पूरी यहाँ तक हो जाती तो ये बिल्कुल अलग हो जाता हमारा गर्दन वाला पार्ट, तो इसको ये क्या हो जाता? एक सेगमेंट हो जाता। तो कॉकरोच में जो पार्ट होता है वो अलग पार्ट होता है, उसका बेक पोर्शन अलग होता है और मिडिल पोर्शन अलग होता है। आपने अर्थवर्म अगर देखा हो तो अर्थवर्म की बॉडी के ऊपर इस तरीके से रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? उसकी बॉडी, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी पार्ट्स में क्या हो रही है? डिवाइड हो रही है। अब वो पार्ट्स इंटरनली डिवाइड हैं या फिर सिर्फ ऊपर से दिखाई दे रहे हैं आपको? ठीक है, तो इस बेसिस पर ये जो मेटामेरिज्म है ये अलग अलग तरीके का होता है। मेटामेरिज्म क्या है? बॉडी का, पूरी बॉडी का पार्ट्स में डिवाइड होना, मतलब सेगमेंट में डिवाइड होना, एक्सटर्नली और इंटरनली।
एक्सटर्नली मतलब सिर्फ ऊपर से दिखाई दे रहा है, और इंटरनली मतलब अंदर तक वो पार्ट्स में क्या है, डिवाइड हो रखा है, तो हम उसको बोलेंगे सेगमेंटेशन या फिर मेटामरिज्म। क्या बोलेंगे उसको? मेटामरिज्म। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड जो है हम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, क्यों? क्योंकि हम धीरे धीरे छोटे ग्रुप्स की बात कर रहे थे, छोटे ग्रुप से हम बड़े ग्रुप्स की तरफ आ रहे हैं। बड़े ग्रुप्स का मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म नहीं है, बड़े ग्रुप्स का मतलब है कि यहाँ पर वेल डेवलप्ड, हम क्या है, सबसे डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है। तो नोटोकॉर्ड इज मेसोडर्मली डेराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर। मतलब नोटोकॉर्ड किससे बनती है? मेसोडर्म से बनती है। देखो तीन लेयर थी, जब एम्ब्रियो बन रहा होता है तो तीन लेयर बनती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, तो एक्टोडर्म कुछ हमारे ऑर्गन किससे बनते हैं? एक्टोडर्म से बनते हैं। कुछ ऑर्गन किससे बनते हैं? एंडोडर्म से। कुछ ऑर्गन किससे बनेंगे? मेसोडर्म से। तो हमारे अंदर नोटोकॉर्ड होती है जो कि किससे बनती है? मेसोडर्म से बनती है। रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है। अगर हम बात करें बैकबोन, जो हमारी बैकबोन होती है ना, जिसकी वजह से हम सीधे बैठ पाते हैं, तो ये बैकबोन है, जिसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। तो रीढ़ की हड्डी का जो डेवलपमेंट हुआ है वो किससे हुआ है? नोटोकॉर्ड से हुआ है। और नोटोकॉर्ड किससे बनी है? मेसोडर्म से बनी है। फॉर्म्ड ऑफ द डोर्सल साइड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स, एनिमल विच विद नोटोकॉर्ड, ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर नोटोकॉर्ड होती है उनको बोलते हैं कॉर्डेट्स। जिनके अंदर क्या होती है? नोटोकॉर्ड होती है, उनको क्या बोलते हैं? कॉर्डेट्स। मतलब ये मेन बोन है हमारी, ठीक है, नोटोकॉर्ड। और जिनके अंदर नोटोकॉर्ड नहीं होती है उनको बोलते हैं नॉन कॉर्डेटा, कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा। ठीक है, पॉरीफेरा टू काइनोडर्मेटा, ये अभी आने वाले हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के ग्रुप हैं ये। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, अब हम पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ा हमने अभी, इन टॉपिक्स में के पढ़ने का मतलब क्या था, हम पढ़ चुके हैं कि किस बेसिस पर हम एनिमल्स को कैटेगराइज्ड करेंगे, वो सब चीज़ें हमने पढ़ी है। ठीक है, हमने सीलोम्स पढ़ा है, हमने नोटोकॉर्ड के बारे में पढ़ा है, हमने सिमेट्री के बारे में पढ़ा है, हमने सेलुलर लेवल्स के बारे में पढ़ा है, डिफरेंट लेवल ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ा है। तो ये सब क्या है? बेस है, और इस बेसिस पर हम एनिमल्स को अब डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने डिवाइड किया एनिमल्स को, ये देखिए पूरे एनिमल्स, ये एनिमल क्या है? मल्टी सेलुलर। कैसे हैं एनिमल? मल्टी सेलुलर। ठीक है, अब हम मल्टी सेलुलर है मतलब एक से ज़्यादा सेल तो हैं, लेकिन अब वो सेल जो है वो एक से ज़्यादा, बहुत सारी होगी, बहुत सारे सेल्स का ग्रुप होगा तो टिश्यू बनेगा, लेकिन अगर सेल्स तो एक से ज़्यादा हैं लेकिन टिश्यू नहीं बना रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेलुलर लेवल। ठीक है, एक सेल जो है सिंपल यूनिसेल्युलर था, यूनिसेल्युलर से क्या बने? मल्टीसेल्युलर। लेकिन यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर के बीच का भी तो गैप होगा, लाइक एक से कितनी सेल बनेगी? 2, 3, 4, 5, और अगर 1000 बन जाती है तो उसको हम मल्टीसेल्युलर बोलेंगे। तो यहाँ पर जो एनिमल्स हैं वो कुछ ही सेल से मिलकर बने हुए हैं, उसको हम बोलेंगे सेलुलर लेवल। कौन सा लेवल बोलेंगे? सेलुलर लेवल। ठीक है, तो यहाँ पर सेलुलर लेवल में एक ही ग्रुप है हमारे पास, वो है पॉरीफेरा। कौन सा है वो? पॉरीफेरा। उसके बाद जो कुछ ही सेल्स हैं उन्होंने और ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन किया और बहुत सारी सेल्स का एक ग्रुप बना लिया, तो उसको हम बोलेंगे टिश्यू लेवल। क्या बोलेंगे उसको? टिश्यू लेवल। तो यहाँ पर टिश्यू से ऑर्गन बने, ऑर्गन से सिस्टम बने, सिस्टम से पूरी बॉडी बन गई, तो ये डेवलपमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर सेलुलर लेवल पर एक ही था, एक तो जिसमें अमोइबा आता है, प्रोटोजोआ जिसे बोलते हैं, और प्रोटोजोआ जो कि इसमें मेंशन नहीं किया, अब आपकी बुक में प्रोटोजोआ को हटा दिया गया है, अलग ही रख दिया गया है उसको, प्रोटोजोआ है। और उसके बाद क्या आता है? पॉरीफेरा। ये दोनों ग्रुप कौन से हैं? सेलुलर लेवल पे आते हैं। उसके बाद आता है, इसके बाद वाले सारे ग्रुप किस में आएंगे? टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम या बॉडी लेवल में आएंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास टिश्यू लेवल है उसमें जो सिमेट्री है वो कैसी है? रेडियल सिमेट्री है। उसके बाद बायलेटरल सिमेट्री है। इसके ऊपर वाले जो होते हैं लाइक अमोइबा, पॉरीफेरा, ये क्या है?
एसिमेट्रिकल है, मतलब इनको किसी भी प्लेन से डिवाइड नहीं किया जा सकता टू इक्वल पार्ट में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो टिश्यू लेवल जब स्टार्ट हो गया तो सिमेट्री भी स्टार्ट हो गई, दैट इज रेडियल एंड बायलेटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में कौन कौन आता है, सिलेंट्रिटा आते हैं एंड टीनोफोरा आते हैं, ये दो ग्रुप एनिमल्स की ही हैं, सिलेंट्रिटा एंड टीनोफोरा। उसमें कौन सी सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री। लेवल कौन सा है, टिश्यू लेवल, ठीक है। अब उसके बाद आता है बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री में हमने अलग तीन अलग ग्रुप बन गए, एसिलोमेट्स, स्यूडोसिलोमेट एंड सिलोमेट्स। एसिलोमेट्स जिनमें सिलोम ही नहीं होती है, प्लेटीहेलमिंथीज। उसके बाद आता है स्यूडोसिलोमेट्स जिसमें कि सिलोम होती है, लेकिन वो सिलोम जैसी दिखाई देती है, ट्रू सिलोम नहीं होती है, एग्जैक्ट सिलोम नहीं होती है, मतलब मीजोडर्म से कवर नहीं होती है। उसमें आता है एस्केहेलमिंथीस। उसके बाद आता है सिलोमेट्स, मतलब ट्रू सिलोम प्रेजेंट है, तो एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हम लोग कॉर्डेटा, वो सब किस में आते हैं, ट्रू सिलोम मतलब सिलोमेट्स में आते हैं। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर क्लासिफिकेशन। अब वन बाय वन हम इन ग्रुप्स के बारे में स्टडी करेंगे, जो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एसिलोमेट से स्टार्ट हो रहा है, जो कि प्रोटोजोआ से स्टार्ट होता है वैसे तो, लेकिन प्रोटोजोआ को अलग ही ग्रुप दे दिया गया है। अब आता है हमारे पास पॉरीफेरा। प्रोटोजोआ में कौन आता है, अमोइबा आता है, ठीक है, अमोइबा, उसका ग्रुप अलग ही है। अब आता है हमारे पास पॉरीफेरा, तो पॉरीफेरा के बारे में हम स्टार्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर।